नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों अभी अभी सबसे पहले हम लोग अपने चैनल पर रिलीज करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। दोस्तों नतीजे कैसे रहे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमें दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। फटाफट दोस्तों आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन हो जाइए लिंक से। चलिए दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट किया करें। हम लोग मूव कर रहे हैं सीधे रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं अभी अभी जस्ट बोर्ड मीटिंग आउटकम आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों फंड रेजिंग की न्यूज निकल के आ रही है, वो है 250 बिलियन की फंड रेजिंग करी जाएगी। तो एक ये दोस्तों बड़ी खबर है कि 250 बिलियन की। साथ ही दोस्तों इस बार डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, तो कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि फेस वैल्यू अगर 2 रुपए से देखे तो 250% का डिविडेंड है। तो पहली खबर दोस्तों 250 बिलियन डॉलर का फंड 250 बिलियन फंड रेज करेंगे, साथ ही दोस्तों 5 रुपए का डिविडेंड, लगभग 1% के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे पहले आपको रिजल्ट शो कर रहे हैं, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट बाद में देखेंगे। ये सारे फिगर करोड़ में दिए गए। टोटल इनकम देख सकते हैं दोस्तों 27412 की फिगर है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से बेहतर नजर आ रही है, बहुत ही बढ़िया। वहीं दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज किया है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो 10292 के रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से बेहतरीन और लास्ट ईयर से भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं स्टैंड अलोन में। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो 7018 की रही, जो कि लास्ट ईयर देखें तो 4402, सो ये लगभग कह सकते हैं कि 60-70% की ग्रोथ है, जो कि इंडस्ट्री एस्टिमेट था उसको बीट किया है। डेफिनेटली दोस्तों अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे एनपीए हर कंपनी की बहुत जरूरी चीज है, तो यहाँ तो ग्रॉस एनपीए देखिए दोस्तों 3.60 के हो गए हैं, और अगर परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए देखें तो यहाँ से 0.76% के केवल रह गए हैं 0.85 के मुकाबले और 1.14 पर। तो दोस्तों एनपीए में बहुत बढ़िया डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि जबरदस्त है, तो बहुत ही बढ़िया। और डेट इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.44 की रही है, जो कि लास्ट ईयर से वो भी रिड्यूसिंग है। तो दोस्तों कुल मिला के कह सकते हैं रिजल्ट हर एक पैरामीटर पर बहुत ही शानदार है। अब अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देख लेते हैं, ये सारे फिगर क्रोर्स में है, तो इनकम में देखिए दोस्तों तो लगभग 8-10% का जन देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वही ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो इस क्वार्टर में थोड़े से ज्यादा हुए हैं। तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11528 की फिगर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक बेहतरीन कह सकते हैं कि रिजल्ट रहा है हर एक पैरामीटर पे। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7718, और जो कि लास्ट ईयर मुकाबले तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ से 11 के हो गए, जो कि लास्ट ईयर से देखें तो करीब लगभग कह सकते हैं कि 60-70% का जंप है। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट बहुत ही शानदार। अब अगर हम चार्ट भी देख लिया जाए आईसीआईसीआई बैंक का, यहाँ से देखिए दोस्तों तो ये कल गैप अप ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें 735 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और अपसाइड दोस्तों 760-770 के टारगेट हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में लेके चल सकते हैं। वही लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों 830-840 के 850 के राउंड लेके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप रहेंगे 670 के आसपास के लेके चले। ये थे दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई है। हमारे टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।